सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति और पेंशन में राइडर लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। झुंझुनू के पचेरी पहुंचे जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने ओबीसी के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप और बुजुर्गों की पेंशन के लिए राइडर लगाया है, जिससे पात्र सभी विद्यार्थियों और बुजुर्गों को पेंशन देने में परेशानी आ रही है। इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है। बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, खासतौर से मैं कहना चाहूँगा ओबीसी के बच्चों की जो स्कॉलरशिप है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और भारत सरकार की वजह से काफ़ी परेशानियाँ इसके अंदर हैं। मैंने अभी भारत सरकार के मंत्री हैं उनको भी लिखा है कि इसके अंदर वो हमारा सहयोग करें। उन लोगों ने एक लिमिट बांध दी है कि हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, चाहे वो हमारे स्कॉलरशिप हो और यहाँ तक कि बुज़ुर्गों की पेंशन है उसका भी एक लिमिट लगा दी। आज कोई व्यक्ति कल 60 का हो जाएगा तो या 55 का हो जाएगा या 58 का हो जाएगा, क्राइटेरिया में आ रहा है तो हम उसको कैसे मना करेंगे कि हम उसको पेंशन नहीं देंगे। लेकिन भारत सरकार ने इस प्रकार से कई चीज़ों में राइडर लगाया है, उसके लिए मैंने अभी केंद्रीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने भी मोदी जी को पत्र लिखा है कि इसके अंदर वो कार्रवाई करें और हमारे जो बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित हैं उनको वंचित नहीं रहना।